इसलिए बढ़ा रहे हो वीडियो ये जबरदस्त भाई। मतलब ऐसा सीन मैंने आज तक ना पुलिस वालों का नहीं देखा आज तक पहले कभी ना, मतलब कि मजा आ गया बिल्कुल। अबे भाई मैं नहीं जाऊंगा। काली पट्टी पार्किंग सही तरीके से लगी होती वो आप टोकर के ले आते। तो मैंने कहा नहीं बाहर लगा लेते हैं, गाड़ी हमारी हो गई टो। हम पहले गुरुद्वारे से ना गाड़ी पिक करी है, होंडा सिविक। गाइस फिलहाल फाइनली आ चुके हैं बब्बू जट फट्टे चेक। पाजी मैं तो यही नाम लेना था ठीक है, भाई का नाम यही लेंगे। पाजी का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ब्लॉगर हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल है, बढ़िया करते हैं, बाइकर हैं। कुछ एक बातें पाजी से करते हैं। और सुनाओ जी क्या हाल चाल है सारा? तो सब तो पहले आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। और अब बाकी जल्दी हम कुछ राइड वगैरह करें, इकट्ठे करेंगे, साथ में ट्रैवल वगैरह करेंगे। तो भाई अगर आगे ट्रैवल देखना तो पाजी को भी फॉलो करो जिन्होंने नहीं किया, और मेरे चैनल पर भी जाके बब्बू संधू के नाम से चलता है तो वही जाके देखना तो आपको पता लगेगा। कल का हमारा प्लान था रात का सुबह जाने का, पाजी मिले प्लान कैंसिल हो गया, पता नहीं कहाँ जाना है। अभी मिले कह रहे 10 किधर जाना है, मैं क्या मैनू नहीं पता किधर जाना है, हम तो ही 10 किधर जाना है। तो लेट इट भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो करते हैं शुरू। बात हमारी डिसाइड हो गई है, बब्बू पाजी ने कहा है पहला दिन है शुरुआत कर रहे हैं, तो आज हम चल रहे हैं गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे से शुरुआत करके शुरू करते हैं ब्लॉग को। और आज का दिन हमारा ये डिसाइड हुआ, मैंने सोचा कि स्पॉइलर चेंज कराना है आपको, जैसा कि पहले बताया भी था। ठीक है आज स्पॉइलर चेंज नहीं कराएंगे, आज हम जाएंगे गुरुद्वारे, वहाँ से बाबे का ऊपर वाले का नाम लेके शुरू करते हैं। तो गाइस भी सपोर्ट करना, शेयर करना, और वो पता ही है आपको बस। और बब्बू जट फट्टे चक मिलता रहेगा, मैंने नया नाम डाल दिया पाजी का, मिलते हैं। तो ये है ऑन द वे, आ चुका है ITO और ये तिरंगा लहराता हुआ हम रास्ते में जाते हुए। गाइस ये CP का 12 खंबा रोड, यहाँ पे है शत्रु हाउस, उसके बाद आता है आपका मॉडर्न स्कूल। सफाई, संडे का दिन, शांति, बहुत सारी चीज़ें हैं मैटर करती हैं, मज़ेदार होने वाली चीज़ें। देखो यहाँ पे सब पॉलिटिशियंस के बच्चे, मतलब बड़े बड़े जो भी स्टार्स बोलते हैं स्टार और पॉलिटिशियंस के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, तो ये वो स्कूल है। तो गाइस फाइनली आ गए हैं हम गुरुद्वारे, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है। तो अंदर पता नहीं वीडियो मेरी बने या ना बने, फोटोशूट हो या ना हो, हम चल रहे हैं। बाबू पाजी आगे निकल गए, चलते हैं करते हैं शुरुआत। पता नहीं वीडियो अलाउड है या नहीं, बाकी अपा पंगा तो ले लिया, जब कोई मना करेगा तो बंद कर देंगे। इन्हें मैं उतारता सैम, तो बाबे के द्वारा चल रहे हैं अंदर। रुमाला मैंने ले लिया। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अब जो रुमाला है आपका वो आपको खुद लेके आना पड़ेगा और या फिर बाय करना पड़ेगा, शायद कोविड के चक्कर में कर दिया। तो आप जब भी आओ तो अपना कैरी कर लेना, नहीं तो बाहर भाई लोग बैठे हुए हैं वहाँ हमको मिल ही जाएगा। भाई संडे का दिन रश गया, देखो बब्बू भाजी किधर को पास गए यार, कि यहाँ पे इतना आज संगत बहुत है, ये देख पा रहे हो आप, संगत बहुत है। लेकिन बब्बू भाई लेके आए हैं, मुझे नहीं पता था वो रास्ता, शॉर्टकट रास्ता लेके आए हैं, खुफिया रास्ता, हाँ खुफिया रास्ता उन्होंने कहने हैं। आपा लेके आए उधर, आप अंदर गए 2 मिनट से फारिक। वो मैं पाया नहीं है, हाँ दसूँगा जरूर, लेकिन सरोवर का आपा परिक्रमा कर लिया, हूँ आप एंडते हैं बाहर चढ़ के फिर करते हैं गल। बाकी फोटोग्राफी तो पता ही है ज़्यादा अलाउड है नहीं, तुम आओगे तो तुम्हें पता बाकी लग अपने आप आपको पता लग ही जाएगा, शायद पंजाबी हो गया मैं।
तो ये है निशान साहब और ये है सैम और ये है इसकी लंबाई। निशान साहब जिसे हम खंडा भी बोलते हैं, खंडा नहीं बोलते, ये निशान साहब है, सिख, सिक्खी का चिन्ह। अब हम जा रहे हैं घर की ओर, निकलते हैं घर की ओर, करते हैं और बहुत सारी बातें, मिलते हैं ब्रेक के बाद आपसे भी, तब तक आप बने रहिए और जुड़े रहिए, मिलते हैं। तो गाड़ी देखने आए हैं, बब्बू भाजी कह रहे थे गाड़ी अंदर लगा ले, तो मैंने कहा नहीं बाहर लगा लेते हैं, तो गाड़ी हमारी हो गई टोक। अब हम पैदल जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, शिवाजी स्टेडियम कॉफी होम जरा कौन सा है भाई, वो कहाँ पड़ता है? राजमा चावल वाला जैन कनॉट प्लेस में, जो आपका जैन चावल वाला वो काफ़ी फेमस है, वहाँ पे शायद पार्किंग लगाते हैं, हम जाते हैं देखते हैं नंबर भी नहीं, कितने पैसे क्या मांगते हैं क्या करते हैं। ऑन द वे बब्बू भाई कह रहे हैं गर्मी बहुत लग रही है। मतलब आप हनुमान रोड पे निकलते हो जब, उसके जस्ट पीछे ये एरिया है, एरिया क्या है वो तो मैंने देखा नहीं है, बट हाँ बहुत बढ़िया एरिया है, बहुत पीसफुल एरिया है और रेजिडेंशियल है। जैन मंदिर रोड है और यहाँ से शॉर्टकट मिला हमारे को, जो लेके आया था शायद उसी ने बताया कि भैया गाड़ी आपकी आगे लगी हुई है, देखते हैं चलो कितने की होने वाली है चपत। तो गाइस गाड़ी तो मिल गई है, ये देख लो ये बब्बू भाई को, बब्बू जट पट्टे चाक कह रहे हैं कोई नहीं हुआ तो चल पड़ेंगे लेके, गाड़ी अपनी नहीं है ये गाड़ी अपनी नहीं है, आगे खड़ी करी होगी, उनका डिपार्टमेंट अलग है, मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी, गलत गाड़ी ले जाएंगे फिर तो बब्बू भाई, हम गलत गाड़ी लेके चले जाएंगे। भैया गुरुद्वारे से ना गाड़ी पिक करी है, होंडा सिविक है भैया। गाइस गाड़ी तो यहाँ पे अभी मिल नहीं रही है, तो सर ने बताया 1000 रुपये का फाइन है। तो आप NDMC एरिया कवर करते हो, जितना भी हमारा नियरेस्ट जो भी अन पार्किंग सही तरीके से लगी होती वो आप टो करके ले आते हो। चलो देखते हैं, और ये बता रहे हैं अभी अगर यहाँ नहीं आई 10 मिनट रुक के तो कालीबाड़ी मार्ग जाना पड़ेगा, तो फिर तो अब फाइनली बब्बू भाई ऑटो तो करना पड़ना है, हूँ कह रहे थे कि पैदल चलो, तो लेट्स सी निकल जाएगा सीधा, भाई मैं नहीं जाऊँगा। बब्बू भाई तो कोई मकसद आएगा पैदल चलन का, मैं वही कालीबाड़ी वाले पैसे बताओ, ये देखो ये हो गया क्लैश, पैसे दसो जी, पैसे पैसे आप पैसे बताओ, पैसे बब्बू भाई की करिए, एक्चुअली पहले उन्होंने बोले आप, हाँ जी भाई ने बोला, हाँ जी नहीं 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 थैंक यू कोई गल नहीं, उन्होंने रोके उसको रोका है, ठीक है चलो भैया जी आपके साथ चलेंगे सर। ओ समझ गए ना भाई, आ गए हैं भाई, पैसे दे दिए हैं, मेरी जेब में कैश है नहीं, बब्बू बाजी से लिए हैं 50 रुपये उन्होंने लिए हैं, हमने दे दिए हैं अंकल जी को, और गाड़ी खड़ी हुई मिल गई है, वो देखो जी ये अगर आपकी वहाँ पे गाड़ी ना हो शिवाजी स्टेडियम पे तो गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी हुई मिलेगी। अब आप ये देखो एक ही गाड़ी हमारी इकलौती वो लेके आ गए हैं, वो खड़ी हुई, चलो बात करते हैं देखते हैं क्या कहते हैं। मुझे लग रहा है हमारी एक गाड़ी थी जो सर लेके आ गए हैं, चलो मिलते हैं थोड़ी सी बात बात करते हैं, और उसके बाद जो फाइन है वो पे करके ले लेते हैं गाड़ी, आ जाओ बातें हैं। नमस्ते सर क्या हाल है, इसलिए बना रहे हैं ये अंकल जी व्लॉगिंग करते हैं हम, तो मेरी गाड़ी टो के आई है, तो व्लॉग में बस शेयर कर रहा हूँ कि बंगला साहब गुरुद्वारे आए थे और आप गाड़ी ले आए, बस इतनी सी बात करनी है। तो भाई गाड़ी हमने ले ली है फाइनली, और आज ऐसा सीन हो गया जो आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल
बब्बू भाई साथ गए, टाइम गया, हम वहाँ पे गए, पहले तो हम वीडियो बना रहे थे, उन्होंने कहा भाई वीडियो डिलीट कर दे, हम मेरे को लगा कि गुस्सा कर गया, तो बात करते 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 बात करी उनसे, बोला कि हम ब्लॉग करते हैं, मेरे को इन्होंने बोला कि ये तो भाई पढ़ाई करता है 12वीं पास, 50 रुपये हमारी जेब में, मैंने बताया तो कह रहे भाई तू पैसे नहीं लाया तो गाड़ी क्या देगा, तो गाड़ी ले जा ऐसे, तो ऐसे ही गाड़ी दे दी उन्होंने, उन्होंने बोला बड़ा भाई तुम्हारे साथ है तुम मतलब पैसे नहीं है, मैंने कहा तो गुरुद्वारे मिल गए थे हमारे को तो वहाँ पे साथ लेके आ गया, मैंने कहा तो उसने गाड़ी दे दी है हमारे को ऐसे ही, और बाकी बात करते हैं बाद में भी, थोड़ा सा शोर वो ज़्यादा हो रहा है करते। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं गीता कॉलोनी, आईटीओ से आगे आके लेफ्ट मुड़ चुके हैं, घर पहुँच रहे हैं, तो करते हैं फिर आज का व्लॉग फिनिश और मिलते हैं आपसे। जबरदस्त भाई, मतलब ऐसा सीन मैंने आज तक ना पुलिस वालों का नहीं देखा आज तक मैंने कभी ना, मतलब कि मजा आ गया बिल्कुल यार, मतलब हम सोच रहे थे कि चल 400-500 रुपए देने पड़ेंगे छूट जाएंगे, उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। सुबह पहली बात तो कल हमारा रात का प्लान था, सडनली सुबह प्लान चेंज हुआ, फिर गुरुद्वारे गए, मतलब सारे ऊपर वाले की रजा, गुरुद्वारे गए, गाड़ी पे एक भी पैसा नहीं देना पड़ा भाई, मजा आया, बड़ा दिल को अच्छा लगा, और आज बब्बू पाजी के साथ बड़ा मजा आया, और आगे भी अब आते रहेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल। तो कीप सपोर्टिंग और कीप शेयरिंग, बब्बू पाजी का जो मैं लिंक है वो आपको शेयर कर दूंगा, जितने मेरे छोटे भाई के सब्सक्राइबर हैं जाके फॉलो जरूर करना पड़ेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है बब्बू पाजी।